देखो गड्डी दिखाओ। ठीक है सही। अरे दो लोग खाने वाले नहीं हुए। हाँ तो दूसरी गड्डी ले लो, अगर चाहो तो एक ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। एक सौ पूछना सब्जी बच जाए, नमक पड़ेगा वहाँ। चलो एक बार मतलब नहीं, ये कितनी गड्डी है? बहुत है बेटिया, बहुत है, इसलिए हम ज्यादा ही दे रहे हैं, बड़ी गड्डी दे। चलो फाइनली दो गड्डी ले लिए। ये इसको बिजनेस का तरीका बोलते हैं। ऐसे एक गड्डी लेने वाले थे लेकिन भैया ने कहा सब्जी कम पड़ जाएगी, इतनी सी होगी केवल, तो दो गड्डी ले ली गई। यार नोट थी 500 की और टूटे मिले नहीं, तो भैया का दिल देखो, बोले कि लौट के दे देना, अभी पैसे ही मत दो। और एक कोई सब्जी ले लेते सुबह के लिए। ये तो शाम के लिए हो गई। इसको इसको क्या बोलते हैं, हरे पत्ते वाले। ये हम लोग चौराई लिए हैं दो गड्डी, और इसके बाद कुछ और पत्तियाँ खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। अरे भैया ये कहाँ का आम, पता नहीं कितना बड़ा बड़ा आम, एकदम काले काले जामुन, बड़े बड़े जामुन थे यार। 50 का आना था, तो गांव में हम लोग कुछ समझते नहीं है। ये एक दुकान है जिसमें खजूर मिलता है, बहुत जबरदस्त तरीके की खजूर। कद्दू भैया खाई ले भैया, 1 किलो भी तो 30 रुपये। ये कद्दू और ये पक्का 1 किलो होगा, 100% से होगा। 1 किलो होगा ना भैया ये? सही है। क्या क्या लिया? ये कद्दू, मिर्ची, थोड़ी मिर्ची ना। नहीं 1 किलो भी नहीं, 1 किलो भी। अब अंकल जी के लिए, उनके लिए थोड़ा बाल बच्चा है भैया, काम करता। ये मतलब पुलिस लाइन में रहने का एक यही फायदा है कि यहाँ पे सारी चीजें एकदम आसपास है, जिला अस्पताल, सब्जी मार्केट। वो जो अंकल जी को पैसे देने थे उनकी दुकान हम लोग देख रहे हैं, मतलब दुकान आ गई और आगे कहीं मिस ना हो जाए यार, जल्दी जल्दी में। ये है भैया अंकल जी, पहचान गए आप? के बाद ये सब भी करना पड़ता है। पुलिस विभाग में मेस की व्यवस्था होती है, पर अब पता चला मुझे मेरा आज दाल खाने का मन है, आज मेरा चौराई की सब्जी खाने का मन है, तो उस दिन वो नहीं मिलता है, इसलिए मैं खुद से बनाना प्रेफर करती हूँ, मुझे खाना बनाना पसंद भी है।
फाइनली चौराहे कट के तैयार है और मैंने छोटे छोटे स्लाइस में आलू भी काट ली है। लहसुन छील के तैयार है और मिर्ची भी मैंने काट ली है, तो लहसुन भी काट लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सब्जी बनाने। बस मैं थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। तेल हो गया है, हींग पड़ गई है, लहसुन जो मैंने छील के रखा था, इसमें मैंने मिर्ची डाल दी है। मिर्ची के बाद आलू फ्राई कर लेती हूँ। गर्मा गर्म सब्जी तैयार है। बहुत अच्छी महक रही सब्जी। अरे वाह,